फोक आर्टिस्ट जो घमरी वाला चैप्टर था वो हमने जो है वो देखा था कि जो आर्टिस्ट है वो घुमा भी आया था और किस तरह से उसने वहाँ पे इवेंट देखा तो उसके बारे में बता रही थी इससे आगे जो है हम हम आज जो है इस वीडियो में कवर करेंगे सो बिलासपुर इज़ मेड अप ऑफ ट्वेल्व हिल्स अब पॉइंट कह रहे हैं कि जो बिलासपुर है वो बारह पहाड़ियों से मिलकर बनाया कहते हैं वन ऑफ विच इज़ कॉल्ड बांधला जो एक है उसको बांदला कहते हैं बांदला धार घम्बरी वॉज बर्न इन गुड़दितू होम इन 1923 इन वन ऑफ द विलेज ऑफ द धार अब गुड़दितू उनके आ, पिताजी का नाम है तो कहते हैं कि घमरी 1923 में वहाँ जन्मी थी आ, उन बारह हिलों में से उन बारह धारों में से एक धार पे जो है उसका घर है तो वहाँ जन्मी थी शी वेंट ऑन टू आन सच नेम एंड फेम इन फोक म्यूजिक दैट बांदल इज़ की धार स्टूड इवन डॉलर कि कहते उसने इतना जो है नाम और फेम कमाया कि फोक म्यूज़िक में जो मानला की धार है वो और भी ज़्यादा जो है वो लंबी हो गई डॉलर हो गई सिमिलरली बसंता पहलवान बसंता पहलवान सॉरी मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ़ इन द अखाड़ा उसी तरह से बसंता पहलवान ने जो अपना नाम जो है अखाड़े में बनाया था रेसलिंग में बनाया था फोक saying सच एज uh, कहते हैं कि फोक ऐसा कहते हैं राइट right? कहानियाँ कथाओं में ऐसे कहते हैं कि जो फ्रेज होता है मतलब अपनी लैंग्वेज में बसंत बिन छिंज सुनी घमरी बिन कराज सुना तो कहते हैं बसंत के बिना जो है छिंज सुनी है और घमरी के बिना कोई भी काम uh, सुना हैव नॉट सीन कॉइंट फॉर नथिंग घंबरी वॉज वेड टू द मच ओल्डर संत राम एट अंग एज घंबरी जो है काफ़ी ओल्ड व्यक्ति uh, से जो है उसकी शादी हो गई थी काफ़ी यंग एज में जिसका नाम था संतराम शी डाइवोर्स्ड हिम उसको जो उसने तलाक दे दिया हाव एवर एंड फॉलो द पाथ टू बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट फिर उसने जो है पाथ फॉलो किया कि वो इंडिपेंडेंट जो है वो आर्टिस्ट बने भैयान शी फॉम मेड a bond विद रागी बसंता the renowned wrestler of the region who was also a singer and instrumentalist and they began to perform together. अब फिर उसने जो है किस से शादी कर दी रागी बसंता से जो कि रीजन का बहुत ही रिनाउंड रेस्लर था हु वॉज ऑल्सो अ सिंगर जो कि जो है गायक भी था इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करता था है ना वादे वादे जो यंत्र है उनको भी बजाता था और उन्होंने जो है साथ में मिलकर जो है वो परफॉर्म करना जो है स्टार्ट कर दिया देन कहते हैं दैट इवनिंग टू बसंता ढोलक अ कंपेंट सॉन्ग कहते हैं उस रात भी जो है वो घम्बरी ने जो है वो डांस किया और बसंता जो है वो ढोलक बजा रहा था घम्बरी बिगन टू तो स्लोली स्वे विद द आरती थाली इन हर हैंड्स हर लंग मूव एबजॉर्व दॉफ्ट रिदम ऑफ़ एयर मॉइस्ट विद द डेज रेन अब कहती है कि जो घमरी है वो उसने हाथ में जो है वो आरती की थाली ली थी तो वो आराम से जो है स्लोली स्लोली जो है वो नाच रही थी आराम से एंड जो म्यूज़िक जो जो रिदम है वो एयर के साथ जो है वेवी मोशन में उसको एब्जॉर्व कर रही थी सॉफ्टली हर वॉइस नॉट ट्रिप लाइक अ माउंटेन वाटरफॉल बटे stately लाइक the वेव्स ऑफ the सतलुज फ्लोइंग स्लोली बाय कहते हैं कि अब उसकी वॉइस ट्रिप नहीं कर रही थी जैसे माउंटेन्स का वाटरफॉल होता है कि भाई एकदम से जो है वो ऊंचाई से खाई में गिर गया इस तरह से नहीं था बट कि वॉज अ लाइक अ वेव सतलुज की जैसे फ्लो करने की वेव है स्लोली स्लोली उस तरह से गा रही थी घंबरी हैड बिकम अ ट्रेडिशन नाओ घम्बरी जो है अपने आप में एक ट्रेडिशन बन गई थी ट्रेडिशन दैट शी क्राफ्टेड बाय हर सेल्फ एज अ ट्रेडिशन जो कि उसने खुद ब खुद क्राफ्ट किया था खुद बनाया था एज शी डांसड एंड संग एज पॉज टू रेस्ट एंड घम्बरी हैड टू तो रिमेंट हर सेल्फ जैसे ही वो गाना स्टार्ट करती थी उसकी जो एज है वो रुक जाती थी कहते हैं एंड घम्बरी हैड टू तो रिमाइंड हर सेल्फ गंबरी अपने आप को याद दिलाती थी आई एम नॉट गंबरी ऑफ ओल्ड मैं जो है घंबरी वो ओल्ड नहीं हूँ मतलब बूढ़ी नहीं हूँ द क्राउड मेल्टेड विद कम्पैशन जो क्राउड है वो भी पिघल जाता था कंपेशन के साथ देन रिक्वेस्टेड द सॉन्ग दैट वॉज एवरी वन स् लिप्स फिर किसी एक नहीं कहते हैं कि सॉन्ग की एक रिक्वेस्ट की कि भाई होता ही है ना कि सिंगर आया है तो लोग जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कोई अगर कोई पॉपुलर सॉन्ग है तो बोलेंगे आप आप जो है अपना वो वाला गाना गाइए तो यहाँ पे भी वही हुआ कि किसी व्यक्ति ने जो है गंभरे से रिक्वेस्ट की कि जो खाना पीना नंद लेना हो गंभरी है भाई ये वाला सॉन्ग गाओ आप ठीक है देन द रिवर हैड नाउ रीच्ड इट्स वाटरफॉल अब जो रिवर है नदी है जो स्लोली स्लोली वेव में वो पहले गा रही थी अब वाटरफॉल आ गया एकदम से राइट द क्राउड वॉज एस्टैटिक क्राउड ऐसा शोर मचाए बहुत ही ज़्यादा है ना बसंता एंड द अदर म्यूजिशियन वज इन द रिदम एंड सेवेंटी ईयर ओल्ड घंबरी डांस एज इफ शी विक्सटीन अब जो बसंता था उसका हस्बैंड था और जो अदर म्यूजिशंस थे वहाँ पे, वो भी जो है वो रिदम में बह गए बिल्कुल उसमें डूब गए और घम्बरी ने ऐसा डांस किया सत्तर साल की घंबरी ने जैसे कि वो सोलह साल की ओर राइट द पैथोस ऑफ लिविंग अ हार्ड लाइफ इन हिल्स नाउ इन्फॉर्म हर सॉन्ग दूरा रे पानी हो घंबरी है भरा नहीं जायदा भरा नहीं जाना सो so, अब जो हिल्स की जो हार्ड लाइफ है वो भी उसने जो है अपनी Uh, गानों में जो है वो बताती थी कि जो दूर से पानी लाना होता है तो वो भरा नहीं जाता भाई टाइम लगता है मेहनत लगती है इस तरह के जो डिफ़िकल्टीज थी लाइफ की वो बताया करती थी अपने गानों में जैसे इस गाने में बताया कि दूर आ दुरार पानी हो घंबरी है भरा नहीं जाता कि दूर का पानी भरा नहीं जाता भाई घम्बरी इज़ नॉट जस्ट अ सिंगर एंड डांसर घम्बरी केवल गायिका या फिर नृत्य का नहीं थी शी इज़ अ पॉइंट ऑफ सोशल अवेयरनेस वो जो है कवित्री थी सामाजिक जो है चेतना को अगर किसी ने जगाना है तो उस तरह की सोशल अवेयरनेस की भाई वो एक पोइट थी एंड शी यूज़ टू राइट अबाउट द अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ इन हर बोन डायलैक्ट सो जो भी जीवन में लोगों के uh, उतार चढ़ाव जो भी आते थे तो उनके बारे में अपनी बोली में वो जो है लिखा करती थी शी ओनली डांस टू संग विद कैरी विच कैरी हर ने वो उसी गाने पर नाचती थी या फिर उन्हीं गानों को गाती थी जिसमें उसका नाम हो ऑल हर लाइफ शी संग हर सेल्फ इन द पीपल एंड मेड द पीपल डांस इन हर पूरा जीवन में उसने क्या किया कि अपने आप को वो गाया करती थी लोगों में एंड लोगों को नचाया करती थी अपने में कहने का मतलब है कि लोगों की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं लाइफ की उनके उन चीज़ों को अपने गानों में बताया करती थी और लोग भी उसको जो है महसूस कर सकते थे क्योंकि वो उन्हीं के बारे में होता था राइट दिस इज़ वाई शी बिकम अ लिविंग बाई वर्ड फॉर फोक म्यूज़िक इसी वो जो है वो लिविंग बाई वर्ड बन गई क्या के लिए फोक म्यूज़िक के लिए राइट लेजेंड बन गई एक तरह से इन टू थाउजेंड इलेवन वेन आई वॉज सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल अकेडमी वी वर टू फिल्म द फोक थिएटर धजा इन अ दलित सेटलमेंट नियर जानदूता विलेज इन बिलासपुर कहते हैं कि दो हज़ार ग्यारह में जब भी सेक्रेटरी था हिमाचल अकेडमी का राइटर ये कह रहे हैं हमने एक फ़िल्म बनानी थी फोक फिल्म फोक थिएटर धजा पे राइट तो देर वॉज अ वन दलित सेटलमेंट जो आपका जानदूता विलेज है बिलासपुर में वहाँ पर वो बननी थी फिल्म वी ऑल्सो इन्वाइटेड घमरी ऑन द ओकेजन उस ओकेजन पर हमने घमरी को भी बुलाया कहते हैं शी कम विध हाउ कम्पेनियंस एज द नाइट शी परफॉर्म्ड इन थ्री स्पेल ऑफ हाफ एन आर एच कहते हैं कि वो अपने लोगों के साथ आई और उसने हमारे लिए वहाँ पर जो है परफॉर्म किया एज वॉज़ टेलिंग ऑन हर बट इवन आफ्टर हैविंग कम्प्लीटेड नाइन्टी ईयर्स आर लाइफ शी डिडेंट फेल टू गिव अ ग्लिम्स ऑफ द चाम ऑफ हर यूथ कहते हैं कि उम्र तो उसकी बता रही थी क्योंकि नब्बे साल की हो गई थी परंतु जो उसके परफॉर्मेंस में जो झलक है एक चाम है एक यूथ का वो उसने नहीं छोड़ा शी हैड शोड दैट एज वेल तो इसमें ये बता रहा है कि वो नब्बे साल की थी लेकिन फिर भी वो एक युवा की तरह जो है वो नाच रही थी पीपल हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर ऑन हियरिंग दैट शी वुड परफॉर्म दैट नाइट लोग जो है बहुत ही दूर से नज़दीक से आए हुए थे कहते हैं ये सुन के कि भाई घंबरी जो है आज रात को परफॉर्म कर रही है देअर आफ्टर घम्बरी केम टू शिमला फॉर अ स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज बाई दूरदर्शन शिमला उसके बाद कहते हैं कि घमरी शिमला आए थे एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था दूरदर्शन शिमला ने सोशी मी विद ग्रेट एंड हेल्प माय हैंड फोनली तो कहते हैं कि वो मुझे वहाँ मिली और बहुत ही गर्मजोशी के साथ मुझसे मिली और अ, अ, मेरा जो हाथ है वो अपने हाथ में बहुत ही फ्रेंडली पूर्वक जो है पकड़ा राइट Meanwhile, संगीत नाटक एकेडमी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैड इन्वाइटेड नॉमिनेशन फॉर टैगोर सम्मान कहते हैं कि उसी वक्त जो संगीत नाटक अकादमी है सेंट्रल गवर्नमेंट की उन्होंने नॉमिनेशन मांगी टैगोर सम्मान के लिए जो कि आर्टिस्टों को मिलता है द अवार्ड वॉज ओपन टू परफॉर्मिंग आर्टिस्ट अबब द एज ऑफ सेवेंटी फ़ाइव अब सेवेंटी फाइव से ऊपर की जो एज है उनको जो है वो अवार्ड था हिमाचल अकादमी सेंट द बायोडाटा ऑफ फ्यू आर्टिस्ट हिमाचल जो अकेडमी है उसने जो है कुछ आर्टिस्ट की जो है वो बायोडाटा भेजा अ टोल्ड ऑफ फिफ्टी अवार्ड अ टोटल ऑफ फिफ्टी अवार्ड्स टोटल जो है वो पंद्रह अवार्ड थे अनाउंस हुए थे ऑन द ओकेजन ऑफ विश्व कवि रविंद्र नाथ टैगोर जो बर्थ सेरिमनी थी उसमें ऑफ़ विच थर्टीन वर अवार्डेड टू आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट इन द फील्ड ऑफ फोक म्यूजिक उनमें से जो तेरह है वो उनको जो है अवार्ड मिला था फील्ड ऑफ म्यूज़िक में म्यूजिक की फील्ड में घंबरी जो है फ्रॉम हिमाचल वॉज वन ऑफ दम घम्बरी जो हिमाचल की थी वो उनमें से एक थी ते उन तेरह में से एक थी मतलब द अवार्ड सेरेमनी वॉज वर हेल्ड इन कोलकाता इन चेन्नई बट द ऑफिशियल लेटर विच वॉज सेंट डायरेक्टली टू घम्बरी एड्रेस डिड नॉट रीच हार कहते हैं कि जो सेरेमनी है वो कोलकाता और चेन्नई में हुई ऑफिशियल बट जो घम्बरी के लिए जो लेटर था वो जो है घम्बरी के एड्रेस में जो है नहीं पहुंचा लेटर लेटर सॉरी लेटर संगीत नाटक अकादमी सेंड द अवार्ड मनी ऑफ वन लैख रुपीज़ द ब्रास प्लॉक ऑन शॉल टू हिमाचल अकाडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेज टू ऑनर घमरी विथ टैगोर सम्मान तो कहते हैं कि बाद में जो है जो संगीत नाटक अकादमी थी उन्होंने जो एक एक लाख प्राइज़ और शॉल वगैरह जो है गमरी को दिया हिमाचल अकेडमी में उनको जो है आ, मतलब ओनर करने के लिए विद टैगोर सम्मान के साथ व्हेन वी टेलीफोन घबरी इन हर विलेज टू टेल हर दैट शी हैड द वन लाख रुपीज अवॉर्ड शी वुड नॉट बिलीव इट कहते कि जब हमने उनको टेलीफोन किया घंबरी देवी को कि आपने ऐसा ऐसा एक लाख रुपए जीता है टैगोर सम्मान में उसने विश्वास नहीं किया कहते हैं एंड रिक्वेस्टेड प्लीज सेंड माय टू मंथ्स पेंशन ड्यू फ्रॉम द अकेडमी और उसने रिक्वेस्ट की कि मेरे दो तो, uh, महीने की जो पेंशन है भाई अकादमी से वो भेज दीजिए मुझे आई एम नाउ इन माई लास्ट डेज कहते हैं कि अब मैं अपने अंतिम दिनों में हूँ शी वॉज ओनली कन्विंस्ड ऑफ द ओनर वेन आई सेड यू हैव टू कम बाय कार टू कुल्लू टू रिसीव द टैगोर अवॉर्ड ऑन अगस्त फिफ्टीन तो कहते हैं कि वो तब मानी जब मैंने उनको जो है कन्विंस करने की कोशिश की कि आप आए आपको जो है सम्मानित किया जाएगा कुल्लू में पंद्रह अगस्त को टैगोर सम्मान जो तक, है सम्मान जो कि संगीत नाटक अकादमी है सेंट्रल गवर्नमेंट की उन्होंने जो भेजा है हम आपको वो जो है सम्मानित करना चाहते हैं कुल्लू में तो बोले तब जाके मानी जब मैंने उसको कन्विंस किया राइटर का ये मानना है यू विल बी री योर ट्रैवल एंड स्टेइंग एक्सपेंसिस देयर इट्स सेल्फ कहते हैं कि आपके जो एक्सपेंसिस होंगे जो खर्चा होगा उसको रिफंड किया जाएगा राइट right? रहने का जो भी होगा आने जाने का शी कामली रिप्लाइड चलो इट गिव्स अ रीज़न टू विजिट कुल्लू कहते हैं कि ये मुझे एक रीज़न मिल गया है कुल्लू को विजिट uh, करने के लिए घमरी वॉज अकॉर्डेड द प्रेस्टिजियस अवार्ड बाय चीफ मनी स्टॉक ऑफ़ द स्टेट ऑन 15 अगस्त 2012 थाउजेंड ट्वेल्व एट ढालपुर कुल्लू तो घमरी को फिर जो है चीफ गेस्ट 2012 में हिमाचल के चीफ गेस्ट उन्होंने जो है वो अवार्ड दिया ढालपुर मैदान में कुल्लू में बिफोर दिस इन टू थाउजेंड सेवन शी हैड ऑल्सो बीन बेस्ट ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड फॉर फोक म्यूजिक बाई हिमाचल अकेडमी इससे पहले बोलते हैं कि दो हज़ार सात में उनको और एक अवार्ड मिला था किसके द्वारा हिमाचल अकेडमी के द्वारा राइट घम्बरी ऑल्सो रिसिव द सीनियर आर्टिस्ट मंथली अलाउंस फ्राम द अकेडमी और घम्बरी को जो सीनियर आर्टिस्ट अलाउंस जो अकेडमी देती थी वो भी जो है रिसीव होता था पेंशन एक तरह की गम्बरी वॉज़ नॉट कीपिंग टू वेल गम्भरी जो है मतलब काफ़ी अच्छा उनका स्वास्थ्य नहीं रह रहा था शी वॉज लिटल बिट उनका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रहता था स्वस्थ रहती थी शी ब्लैथ हर लास्ट ऑन एट जनवरी टू थाउजेंड थर्टीन इन घंडवाली विलेज ऑफ बिलासपुर कहते हैं कि दो हज़ार तेरह में आठ जनवरी को उन्होंने अपनी जो है लास्ट वो जो है अंतिम सांस ली द न्यूज़ ऑफ द फोक सिंगर डेथ प्लगड द स्टेट प्लजड द स्टेट इन टू ग्रेफ अब एक शो की लहर जो है पूरे राज्य में जो है वो फैल गई कि हमारी जो फोक आर्टिस्ट थी पॉपुलर सिंगर थी उनका देहांत हो गया एंड एरा ऑफ ट्रेडिशनल माउंटेन फोक म्यूजिक हैड कम टू एंड विद घम्बरी डेथ की कहते कि घंबरी की मृत्यु के साथ जो एक युग था ट्रेडिशनल माउंटेन फोक म्यूज़िक का वो जो है उसका अंत हो गया दीज माउंटेंस हैव हैड अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ वुमन फोक सिंगर्स इन मैनी एरियाज दीज फोक सिंगर्स गो फ्रॉम विलेज टू विलेज इन मंथ ऑफ चैत्रा टू विश पीपल ऑन द आरवल ऑफ स्प्रिंग एंड द न्यू ईयर कहते हैं कि जो ये uh, पहाड़ हैं दे हैव अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ वुमन फोक सिंगर कि अब उसके जो गाने हैं वो गांव से गांव जाते हैं चैत्र के महीने में ताकि जो है लोग विश कर सकें स्प्रिंग को न्यू ईयर को वेयरिंग द चोल्टो चोल्टो इज़ लाइक अ फ्रॉक जो कि आपके उठने तक होता है दे डांस टू बियर ऑफ धोल घमरी इज़ अ प्री एमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ दिस फोक ट्रेडिशन इन हिमाचल शी रिजाइंड फ्रॉम द हिल्स ऑफ मंडी सुकेत टू कांगला द सॉन्ग कम्पोज बाय घमरी आ स्टिल संग बाय मैनी फोक सिंगर्स ऑफ द स्टेट अब कहते हैं कि जो घमरी है जो है उनके जो सॉन्ग है दिया स्टिल संग आज भी वो गाए जाते हैं बहुत सारे सिंगर्स उनको गाते हैं रिकम्पोजिशन होती है राइट स्टेट में आज भी वो पॉपुलर हैं लोग जो है चोल वगैरह पहन कर डांस करते हैं राइट सो इस तरह का जो है ये घमरी का आ, के बारे में जो है चैप्टर था आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड प्लीज़ डोंट फॉर्ग टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब So, इसके कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली सो वट डज द वर्ल्ड बाई वर्ड मीन बाय वर्ड का मतलब यही है कि लिविंग लेजेंड राइट अपना नाम जो है अमर कर लेना यही है इसका मतलब घमरी इज वाई घमरी इज़ फेमस बिकॉज शी इज़ अ फोक आर्टिस्ट है ना हर सॉन्ग वॉज वेरी फेमस लोगों के बारे में बताती थी उसमें उनकी प्रॉब्लम के बारे में बताती थी इसलिए इतनी फेमस थी व्हाट इज़ गंगी गंगी इज़ फोक हीरोइन राइट उसमें आपको मिलेगा इसी पीडीएफ में मिल जाएगा आपको ब्रीफ में व्हाई डज़ द राइटर कंपेयर घमरी टू फार्म वोमन राइटर ने जो घमरी को फार्म वोमन की चला क्यों कंपेयर किया क्योंकि जब राइटर ने उसको पहली बार देखा तो कि सिंपल सूट में है प्रिंटेड सलवार कमीज़ में तो लगा कि ये आर्टिस्ट नहीं है एक गांव की जैसे फील्ड में काम करने वाली जो है फार्म वुमन है तो उसको वैसे लगा तो इसलिए कंपेयर किया उसके बेसिकली उसके जो है वो ड्रेसिंग सेंस को देख के नेम सम ऑफ द अवार्ड्स दैट घम्बरी बॉन एक तो टैगोर सम्मान है जो कि संगीत नाटक एकेडमी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला एक जो है हिमाचल में ही उनको फोक आर्टिस्ट का अवार्ड मिला था हिमाचल एकेडमी से राइट सो so, मेनली दो अवार्ड उनको मिले थे नाउ फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा डिस्क्राइब घंबरी परफॉर्मेंस ऑफ थ्री अप्रैल 1999 तो थ्री अप्रैल 1999 में क्या किया राइटर ने जो कुछ वहाँ पे देखा वो सब कुछ लिखना है आपने ठीक है सॉरी जो है राइटर ने देखा कि जो घंबरी है वो स्टेज पे आई लोग उसके पास किस तरह से भागे भागे चले गए ये सब लिखना है आपने किस तरह से गाया शी वॉज डांसिंग दैट टाइम शी वॉज सेवेंटीन बट शी वॉज डांसिंग लाइक सिक्सटीन ईयर ओल्ड इस तरह से आपने सारी चीज़ें इसमें लिख देनी है वट इज़ दिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड आई एम नॉट द गमरी ऑफ ओल्ड इसका मतलब यही है क्योंकि उसमें जोश इतना ज़्यादा था कि वो इतने सत्तर नब्बे साल की होके भी वो सोलह साल की बच्ची की तरह जब नाच रही है तो इसका मतलब यही है कि एज से भले ही व्यक्ति ओल्ड हो लेकिन अपने आर्टिस्ट आर्ट कभी ओल्ड नहीं होगा वो यूथ ही रहेगा वो वैसा ही रहेगा स्ट्रॉन्ग वही मतलब है वाट वॉर द रीज़न फॉर घंबरी पॉपुलरिटी ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्यों वो इतनी पॉपुलर थी क्योंकि शी यूज टू राइट अबाउट पीपल्स लाइफ सोशल अवेयरनेस फैलाती थी लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में बताती थी लोगों की भावनाओं को समझती थी राइट right? तो इस तरह से वो लोग इस तरह से बहुत कनेक्ट कर पाते थे अपने साथ उसके सॉन्ग्स को इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हुई इन वॉट वे द गंबरी देवी एंड आर्टिस्ट ऑफ पीपल आर्टिस्ट और पीपल में भी मोर सिमिलर वही बात आएगी पॉपुलैरिटी वाली क्यों है वो आर्टिस्ट और पीपल क्योंकि उनके बारे में लिखा करती थी राइट शी यूज टू राइट अबाउट फील्ड पानी के बारे में लिख देना उनकी समस्याओं के बारे में लिखना खेतों के बारे में लिख देना कृषि के बारे में सारी ये सारी कॉम्पोजिशन करके उसने गाना गाना है ठीक है तो इसलिए पीपल आर्टिस्ट ऑफ पीपल है वो वॉट मेक्स गमरी यूनिक अमंग द फोक आर्टिस्ट ऑफ हिमाचल इसमें भी वही ऑलमोस्ट मोर एंड सिमिलर कि भाई अब दूसरे फोक आर्टिस्ट तो हैं कि उनकी अप अपने मतलब दे आ, दे बेसिकली डू कंपोजिशन अबाउट हीरो एंड हीरोइन लोगों की समस्याओं पे ज़्यादा फोकस नहीं होता था बट शी वाज़ सोशल अवेयरनेस का वो एक काम करती थी इसलिए वो डिफरेंट थी दूसरे आर्टिस्ट्स ठीक है इसमें आप ये लिख देना सो एवरी दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड Don't forget to like, share, and subscribe the channel. So, bye and take care, and have a good day to all of you.